हेलो व्यूअर्स, आई एम दिगंबर सिंह एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जो काफी लंबा चलने वाला है, वो है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन पे हम जरा गौर करते हैं। डेफिनेशन है इसकी, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ फिजिकल एक्शन, अ मेंटल एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वह शब्द है जो एक शारीरिक क्रिया या मानसिक क्रिया या किसी अवस्था, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की अवस्था को दर्शाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। कुछ यहां पे मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं। वेल व्यूअर्स, मैंने यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से वर्ब के बारे में समझ आ जाए। पहला सेंटेंस है, रीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रीना एक लड़की है जो गाना गा रही है। तो यहां पे जो वो काम कर रही है वो उसका फिजिकल एक्शन, ये जो वर्ड है ये फिजिकल एक्शन शो कर रहा है, इसको हम पी ए कह सकते हैं, फिजिकल एक्शन। तो सिंग जो है, सिंगिंग एक क्या है, फिजिकल एक्शन है। दूसरा है, ही सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन यस्टरडे, उसने इस प्रश्न को कल हल किया। तो हल करना एक मेंटल एक्शन दिखाता है, तो सॉल्व जो है वो क्या हो जाएगा, वो मेंटल एक्शन को कहीं ना कहीं शो कर रहा है। तीसरा जो सेंटेंस है वो है, सरला इज इन द ऑफिस। अब देखिए, ऊपर वाले ने फिजिकल एक्शन रीना परफॉर्म कर रही थी, दूसरे वाले में ही एक प्रोनाउन है जो मेंटल एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और लेकिन यहां पे जो तीसरा सेंटेंस है, सरला इज इन द ऑफिस, सरला ऑफिस में है, तो ये इज जो है ये ही स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग ये अवस्था है। क्या है, सरला की स्थिति क्या है कि वह ऑफिस में है। सी इज नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल, वह कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ वह ऑफिस में है, ये उसकी क्या है, स्थिति है। तो स्थिति को बोध कराने वाले जो वर्ड होंगे वो होंगे स्टेट ऑफ बीइंग में, उनको स्टेट ऑफ बीइंग में हम रखेंगे। या स्टेट ऑफ बीइंग को एक और नाम से जाना जाता है, स्टेटिव वर्ब। व्यूअर्स, मैंने यहां पे वर्ब के काइंड्स लिखाए हैं, इसके कुछ मेन काइंड्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, देखिएगा। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार, पहला है एक्शन वर्ब, दूसरा स्टेटिव वर्ब, तीसरा है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, चौथा है ऑक्सिलियरी वर्ब, पांचवा है लिंकिंग वर्ब, छठा है नॉन फाइनाइट वर्ब, सातवा है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, और जो अंतिम मैंने यहां लिखा हुआ है वो है फ्रेजल वर्ब। तो इतने प्रकार की क्रियाएं मुख्य रूप से हैं, इनके और सब डिवीजन और भी हैं, सब टाइप्स और हैं, उन पे हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को जरूर देखिएगा यदि आप चाहते हो कि मैं अपने वर्ब के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, कितने प्रकार की वर्ब होती है, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब का कौन सा प्रकार है, उसके लिए आप मेरे इस लंबे वीडियो को जरूर देखिएगा। वर्ब डायनेमिक जो शब्द है उससे ही इस वर्ब के अर्थ का पता लग पा रहा है। डायनेमिक मीन्स होता है जो गतिशील होता है, तो ऐसी क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे जो एक्शन को का बोध कराई हमें। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम जरा। दीज वर्ब्स डिस्क्राइब स्पेसिफिक एक्शंस और इवेंट्स। ये जो क्रियाएं होंगी वे वर्णन कर रही होंगी किसका, स्पेसिफिक एक्शंस का
या किसी इवेंट्स का। तो इन प्रकार की जो वर्ब्स होंगी उनके कुछ उदाहरण मैं यहां पे लिखता हूं, जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है। तो यहां पे जो लाफ वर्ड है वह ही जो प्रोनाउन है उसका एक्शन का बोध करा रहा है ये शब्द, तो ये क्या हो जाएगा, डायनेमिक वर्ब कहलाएगा। दूसरा जो उदाहरण है, शाम वॉज राइटिंग अ लेटर, शाम वॉज राइटिंग अ लेटर। अब यहां देखिएगा, शाम एक पत्र लिख रहा था, तो उसका जो एक्शन है वो ये जो वर्ड है ये उसके एक्शन का हमें बोध करा रहा है। तो राइट की जो वी फोर है, आईएनजी फॉर्म है, वो राइटिंग है। तो ये जो शब्द है ये वर्ब है, और कौन सा वर्ब है, ये है एक्शन वर्ब। तो डायनेमिक वर्ब्स आर आल्सो नोन एज एक्शन वर्ब्स। एक और एग्जांपल हम यहां पे लिख लेते हैं, राम किल्ड रावण। अब यहां देखिएगा, रामा किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, तो यहां पे एक्शन है मारने का। तो ये जो किल्ड है ये भी थ्री है, किल की सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये। तो यहां पे ये पास्ट एक्शन, ये इवेंट भी शो करा रहा है और एक्शंस इसमें किल का हो रहा है, मारने का हो रहा है। तो अब हम ये समझते हैं कि जो ये डायनेमिक वर्ब होंगी उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। इंग्लिश में तो उनकी पहचान क्या होगी कि उससे कोई एक्शन हो रहा होगा। हिंदी में हम किस शब्द को ये मानेंगे कि ये एक्शन वर्ब है, तो इन शब्दों के अंत में हिंदी, यदि हम इनका हिंदी अनुवाद करते हैं, यदि हम इन एक्शन वर्ब का हिंदी अनुवाद करते हैं तो उसके अंत में ना आएगा। जैसे लाफ, लाफ का हिंदी होता है हंसना, तो इसके अंत में ना आया तो ये क्या हो जाएगा, लाफ क्या हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगी। इसके अलावा वीप रोना हो गया, प्ले खेलना हो गया, सिंग गाना हो गया, गाना गाना सिंग करना है ना, राइट हो गया, लिखना हो गया, रीड पढ़ना हो गया, तो सबके अंत में नाना आया है। और इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे कि ये एक्शन वर्ब है, जिससे कोई काम हो रहा होगा, स्टेटिव वर्ब। तो स्टेटिव वर्ब क्या होती है ये डेफिनेशन से हमें पता लग जाएगा। डेफिनेशन है इसकी, दीज वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग, इमोशंस, ओपिनियंस, सेंसेस और पोजिशंस। तो ये जो स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेटिव वर्ब होती है ये क्या क्या शो करती है, किसका वर्णन करती है, अ स्टेट ऑफ बीइंग का, इमोशंस का, भावनाओं का, ओपिनियंस हो गया विचार का, सेंसेस जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से महसूस करते हैं जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, और पोजिशंस स्वामित्व का ये क्या करती है, बोध कराती है। तो ये नॉन एक्शन वर्ब्स भी कहलाती है, या इनके इनके तीन नाम हैं, एक तो स्टेटिव वर्ब हो गया, एक स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, और तीसरा नॉन एक्शन वर्ब हो गया। तो ये इतनी बातों का क्या कराती है, बोध कराती है। जरा हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से और बात क्लियर हो जाएगी। पहला है, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू ट्रेवल, मैं हमेशा यात्रा करना चाहता था। तो देखिए यहां पे करना चाहता था, यहां पे क्या है, ये अपने इमोशन को शो कर रहा, तो यहां पे
ये जो है वॉन्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसकी इच्छा को बता रहा है। तो यहां पे वॉन्ट क्या है, वॉन्ट की सेकेंड और थर्ड फॉर्म वॉन्टेड है, तो यहां पे ये इमोशन को डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा जो हमारे पास है एग्जाम्पल वो है आई वॉच्ड अ ग्रेट मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक अच्छी फिल्म पिछली रात को देखी। तो यहां पे देखिए आप हमारे सेंसेस का यूज ये वर्ब कर रहा है, वॉच मीन्स देखना, और सेंस क्या क्या होते हैं, हियर वॉच हो गया, स्मेल हो गया, टच हो गया, ये हमारे सेंसेस वर्ब कहलाती है। तो यहां पे देखिए ये जो वॉच है ना, ये थर्ड फॉर्म है इसकी या सेकेंड फॉर्म है, ये सेंसेस का क्या कर रही है, यहां पे इसको सेंसेस को डिस्क्राइब कर रही है सेंस। तीसरे एग्जांपल में हम देखते हैं आई अग्री विद यू, मैं तुम्हारे साथ सहमत हूं या मैं तुमसे सहमत हूं। तो यहां पे अग्री जो है वो क्या है, ओपिनियन, यहां पे उसकी राय को जाहिर कर रही है, ओपिनियन मीन्स होता है राय। तो अग्री जो है वो वर्ब तो है, लेकिन कैसी वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। इसमें ये जो वर्ब है ना, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये नेचुरल वे में होती है। यहां देखिएगा चौथे में रवि हैज अ पेन, सॉरी रवि हैज अ कार, रवि के पास एक कार है। तो यहां देखिएगा रवि एक व्यक्ति है जिसके पास एक कार है। तो ये जो हैज है ये क्या है, पोजीशन का बोध करा रही है। तो हैज और हैव, और पास्ट में देखें तो हैड, और कंटिन्यूअस में देखें तो हैविंग, तो ये क्या होगी, पोजीशन का बोध कराएंगी ये वो। लास्ट है कमल इज हैप्पी, कमल खुश है। अब यहां पे कोई काम तो हो नहीं रहा है, तो ये जो इज है ये स्टेट ऑफ बीइंग, ये अवस्था का बोध कराती है, स्टेट ऑफ बीइंग ये अवस्था का बोध करा रही है। इसके बाद मैं लिस्ट आपको बना देता हूं कि कौन कौन से स्टेटिव वर्ब हैं। तो व्यूअर्स मैंने यहां पे एक टेबल बनाई है जिसमें मैंने स्टेटिव वर्ब की जो कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ पे लिख के मैं बताने जा रहा हूं। देखिएगा इसका ये जो पांच हैं, पांच इसके मैंने डिवीजन कर रखे हैं, टू बी, पोजीशन, सेंस, इमोशन, मेंटल स्टेट। तो टू बी में क्या क्या होंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, बीन, बींग, ये जो है ये टू बी में आएंगे। पोजीशन दिखाने के लिए हैज, हैव, ये प्रेजेंट में इसका यूज होगा, हैड का पास्ट में होगा, हैविंग का प्रोग्रेसिव टेंस में होगा। यहां देखें सेंस में साउंड, हियर, स्मेल, सी, लुक, टच, फील। इधर इमोशन जो मनुष्य के इमोशन होते हैं उसमें लव, हेट, वॉन्ट, लाइक, डिसलाइक, विश, होप, ये इमोशन में आएंगे। और मेंटल स्टेट की यदि बात करें हम, तो ये कुछ वर्ब्स हैं, अग्री, डिसएग्री, डिनाई, डिनाई मीन्स मना करना, डाउट, संदेह करना, थिंक, सोचना, सीम, प्रतीत होना, अपियर, प्रकट होना या प्रतीत होना, एस्टोनिश मीन्स होता चकित होना। तो ये जो वर्ब्स है ना, इसमें किसी तरह का फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, नॉन एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, नॉन एक्शन एक्शन वर्ब्स और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब इनके नाम हैं। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड नॉन एक्शन वर्ब दैट इज आल्सो नॉन एज स्टेटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं, जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। तो
तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, जो सकर्मक क्रिया होती है, वो एक ऐसे क्रिया होती है जो रिक्वायर, जिसको आवश्यकता होती है, जिसको जरूरत पड़ती है एन ऑब्जेक्ट, एक कर्म की, टू रिसीव द एक्शन, जो एक्शन को, जो क्रिया को क्या करता है, रिसीव करता है, अर्थात क्रिया का जिसपे प्रभाव पड़ता है। अर्थात यहां पे हम साधारण शब्दों में यदि इसकी परिभाषा को इन शब्दों में समझें कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट को उस सेंटेंस में रखती है। अर्थात क्रिया का प्रभाव एक ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, एक कर्म पे पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या होगा कि क्रिया होगी और उस क्रिया के साथ उसकी एक ऑब्जेक्ट भी होगा, यानी क्रिया का कर्म पे प्रभाव पड़ेगा। तो देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस। एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छी तरह से इस बात को समझ सकते हैं। जैसे हरी ईट्स फूड, अब देखिएगा इसमें हरी जो है वो सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, और फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ईट जो क्रिया है इसका प्रभाव फूड पे पड़ रहा है। तो ऐसे वाक्य में ये जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया कहलाएगी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ट्रांजिटिव वर्ब, इसकी डेफिनेशन है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसे आवश्यकता होती है, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता होती है, एन ऑब्जेक्ट एक कर्म की, टू रिसीव द एक्शन जो एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऐसी क्रिया होगी जिसके साथ उसका कर्म होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसका जो प्रभाव है वो कर्म पे पड़ेगा। यानी रिसीवर जो होगा एक्शन, सॉरी, जो एक्शन का रिसीवर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हम एक दो एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला एग्जांपल है, यहां देखिएगा, मुकेश इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड ही परफॉर्म्स एन एक्शन दैट इज ईट। तो खाना खाने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है और इस ईट, ये जो वर्ब है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो फूड पे पड़ रहा है। तो फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मुकेश सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसे रिसीव करने वाला क्या कौन है, फूड है। तो फूड विल बी ऑब्जेक्ट हियर। ऑब्जेक्ट को यदि आप नहीं समझे तो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम किसी वाक्य में क्या से या किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछें। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्या से हमें प्रश्न करना पड़ेगा, इंग्लिश में व्हाट से प्रश्न करेंगे। और यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना है तो उस वाक्य में हम हु से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे इसमें हम व्हाट से प्रश्न पूछें, मुकेश ईट्स फूड, व्हाट डज मुकेश ईट, आंसर विल बी फूड, देन वी विल कॉल इट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे जो वर्ब होती है उसका प्रभाव पड़ता है, और जो सब्जेक्ट, जो भी वर्ब, जो भी एक्शन परफॉर्म करता है उसका रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं समझ गए होंगे। एक और हम एग्जांपल देखते हैं, नीता राइट्स अ लेटर। नीता सब्जेक्ट होगी काम करने वाली, जिसे हम कर्ता कहते हैं। राइट्स का अर्थ होता है लिखना, वो लिखती है अ लेटर, एक पत्र। तो यहां पे ये वर्ब होगी, राइट क्या होगी, वर्ब होगी, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, व्हाट डज नीता राइट्स, आंसर विल बी अ लेटर, तो अ लेटर विल बी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट द्वारा एक एक्शन को परफॉर्म कर दिया गया, वो एक्शन है लिखने का, राइट करने का, और जो सब्जेक्ट है उसका जो एक्शन है रिसीवर हो गया आपका लेटर। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसी क्रियाएं जिसके साथ उसका कर्म होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
आशा करता हूं मैं कि आप ट्रांजिटिव वर्ब को समझ गए होंगे। वेल व्यूअर्स, इससे पहले हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी, अभी हम एक चौथी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑपोजिट वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक। जैसे किसके नाम में ही इसका अर्थ निहित है, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो ऐसी क्रिया, या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन को भी देखेंगे तो क्या है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ उदाहरण हम यहां पे देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हरी सोता है, तो यहां पे देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लीप जो वर्ब है, हरी हो गया आपका सब्जेक्ट और स्लीप जो है वो वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद कोई वर्ड नहीं है जो कि जिसे हम ऑब्जेक्ट कहें। दूसरा, रमेश हंसता है, तो यहां देखिएगा यहां पे रमेश के द्वारा एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन उस एक्शन का किसी भी शब्द पे, किसी भी यहां पे कोई शब्द नहीं जिस पे उसका असर पड़ रहा हो, तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और जहां पे जिस क्रिया के साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में एकमात्र अंतर यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके उलट इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आशा करता हूं आप इन दोनों को समझ गए होंगे। एक तीसरा इसका एक ऐसा भी प्रकार है जिसमें कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जिसको हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं और इंट्रांजिटिव में भी रख सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले आपने ट्रांजिटिव वर्ब, फिर उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, अभी मैंने एक वर्ब और यहां पे लिखी हुई है और इसको हम नाम देते हैं एमबी ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या है, जरा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। आपको डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेशन से ही कि ये वर्ब किस प्रकार की वर्ब होती है। वर्ब्स दैट कैन बी ट्रांजिटिव इन वन सेंटेंस एंड इंट्रांजिटिव इन अनदर सेंटेंस आर कॉल्ड एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स। अर्थात ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये किसी वाक्य में ट्रांजिटिव होंगी और किसी वाक्य में इंट्रांजिटिव हो जाएंगी। हम एक दो इसके एग्जाम्पल देते हैं। पहला, ही स्टॉप द कार। अब यहां देखिए स्टॉप्ड यहां पे वर्ब है और ही है यहां पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है स्टॉप, और इसका प्रभाव जो है वो कार पे पड़ रहा है, रिसीवर इसमें कार है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस क्रिया के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है आपको पता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां पे देखिए आप जो स्टॉप्ड जो वर्ब है यहां पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम इधर से देखते हैं, एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, द कार स्टॉप्ड, द कार स्टॉप्ड। अब यहां पे देखो ही स्टॉप द कार, यहां पे सब्जेक्ट था, वर्ब थी और ऑब्जेक्ट था। यहां पे देखिएगा ये स्टॉप्ड है, टी है, द कार स्टॉप्ड, कार रुकी। तो यहां पे देखो स्टॉप के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये जो स्टॉप है इस वाक्य में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस वाक्य में ये जो वर्ब है स्टॉप वो क्या है, इंट्रांजिटिव है, क्योंकि स्टॉप्ड के साथ इसका कोई ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं आया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, उससे आपको और अधिक, वह खाना खाता है, यहां पे सब्जेक्ट ही है, इट्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी इसमें क्या है, फूड है। तो यहां पे ईट जो वर्ब है ना वो क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इस वाक्य में है। लेकिन अगर हम इसी वाक्य को थोड़ा चेंज करें और यहां पे लिखें हम ही
ईट्स वेरी क्विकली। तो यहां देखें आप, यहां पे क्या था, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे देखिए आप, ये वर्ब है लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ही ईट्स वेरी क्विकली, ये जो है ये एडवर्ब है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पे पहले वाक्य में हमने देखा कि ईट्स के साथ ऑब्जेक्ट है और वही क्रिया, क्रिया में कोई अंतर नहीं है, ईट्स यहां भी है, यहां भी ईट्स है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पे यही क्रिया जो है ये इंट्रांसिटिव कहलाएगी। जिस तरह से ऊपर द कार स्टॉप्ड में जो वर्ब स्टॉप्ड है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसे हमने इंट्रांसिटिव कहा, और यहां पे उससे पहले वाक्य में स्टॉप्ड के साथ कार जो था वो ऑब्जेक्ट था, ये ट्रांसिटिव है। तो एक वर्ब किसी वाक्य में ट्रांसिटिव भी हो सकती है और दूसरे वाक्य में वह वही सेम वही वर्ब क्या हो सकती है, इंट्रांसिटिव हो सकती है। तो इस प्रकार के स्वभाव को, वर्ब के इस प्रकार के नेचर को हम किस में रखेंगे, एमबी ट्रांजिटिव में रखेंगे, जिसमें एक वर्ब ट्रांजिटिव हो जाती है और इंट्रांजिटिव हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम, या ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे, एमबी ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। या सरल शब्द में ये कहूं मैं, जिन भी क्रियाओं को हम किन्हीं दो सेंटेंस में रखने पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बना सकते हैं, वे वर्ब्स एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगी। आशा करता हूं आप इन तीनों वर्ब्स को समझ गए होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और एमबी ट्रांजिटिव वर्ब। एंड दिस इज एंटाइटल्ड एज ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब जो होती है उसको हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। जरा इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। इसकी डेफिनेशन है, द वर्ब्स दैट हेल्प द मेन वर्ब टू डिस्क्राइब एक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अर्थात वे क्रियाएं जो मेन वर्ब मुख्य क्रिया को मदद करती है, टू डिस्क्राइब एक्शंस, किसी क्रिया को डिस्क्राइब करने में, किसी क्रिया क्रिया का वर्णन करने में उसकी मदद करती है, ऐसी वर्ब्स को हम ऑक्सिलियरी वर्ब कहते हैं, जिसे हम दूसरे शब्दों में हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। कुछ यहां पे सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां पे देखिए, जैसे कि आपने डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में क्या था कि ये मेन वर्ब को असिस्ट कर रही होगी, उसको हेल्प कर रही होगी। जैसे यहां पे देखिए, राइट, राइट की फोर्थ फॉर्म है, वी फोर है या आईएनजी फॉर्म है राइटिंग, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब से ठीक पहले एक शब्द आया है इज, जो इस सब्जेक्ट के द्वारा जो ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसको असिस्ट करने का काम ये जो शब्द है वो कर रहा है। तो ये जो शब्द है वो ऑक्सिलियरी वर्ब्स कहलाएगा। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, सुरेश हैज ईटन फूड। अब यहां पे मेन वर्ब है ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, उससे ठीक पहले एक शब्द आया है हैज। तो ये जो शब्द है यही क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, क्योंकि ये किससे पहले आई हुई है, मेन वर्ब से पहले आई हुई है, और सुरेश के द्वारा जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करने में मदद करने का काम कर रही है। तीसरा जो एग्जांपल है वो है, दे वर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे थे। अब यहां देखिए, जाना जो है वो मेन वर्ब है, जो गोइंग है, गोइंग इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ गो, तो बी फोर है इसकी, आईएनजी फॉर्म है, इससे ठीक पहले एक शब्द आया है वर, जो कि क्या कर रहा है, इस मेन वर्ब को असिस्ट करने का, हेल्प करने का काम कर रहा है। तो यहां भी ये क्या हो जाएगी, ऑक्सिलियरी वर्ब, ये भी ऑक्सिलियरी वर्ब होगी। चौथा देखिए, हरीश कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहां देखिए, इसमें हमें मेन वर्ब देखनी है, तो मेन वर्ब है आपकी सॉल्व, सॉल्व हल करना, इससे ठीक पहले एक शब्द आया है कैन,
जो कि इस मैन वर्ब को असिस्ट करने का काम कर रहा है, दैट्स हाउ वी कॉल इट ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? सब्जेक्ट के बाद और मैन वर्ब से पहले लगकर मैन वर्ब को असिस्ट करने का काम करती है या हेल्प करने का काम करती है। व्यूअर्स, इससे पहले आपने ऑक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन देखी। अब इस मैं मैंने लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, यानी सहायक क्रिया जो होती है ना, उसके काइंड्स कितने होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके तीन मुख्य प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है इसका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, और तीसरा मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। तो यहां से हम जरा इसकी कैटेगराइज करते हैं इसको। इसका पहला प्रकार है टू बी। टू बी में भी और इसके सब पार्ट और है, सब सॉरी सब काइंड्स और है, एच एम आर वॉज वर बी बीन बीन, ये इसके जो है ये इसके टू बी में आते हैं। टू बी में इज एम आर वॉज वर बी बीन और बीन। दूसरा इसका जो प्रकार है वो है टू डू। टू डू में आते हैं, एक तो डू आ गया, फिर डज, फिर डिड। तो टू डू में तीन है, डू डज डिड। चौथा इसका प्रकार है, सॉरी तीसरा प्रकार है इसका टू हैव। टू हैव में आएगा हैज, हैव, हैड, और इसके प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होगा? इसका प्रोग्रेसिव फॉर्म होगा Having, having। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है ना वो भी तीन प्रकार की, तीन सब टाइप की होंगी। टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी में इज एमा वॉज वर बी बीन बींग, टू बी सॉरी टू डू में डू डज डिड, टू हैव में हैज हैव हैड और हैविंग। अगर हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करें तो इसमें इसमें जो होते हैं इसमें 10 होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और ought to। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिन्हें आमतौर पे हम मॉडल वर्ब कहते हैं वो कितने होते हैं? मेन जो मॉडल वर्ब होती है वो 10 होती है। और जो ये तीसरा है सी वाला जो मैंने लिखा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स, इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी मॉडल्स। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेमी मॉडल्स। और ये जो होती है वो तीन होती है। पहली इसमें होती है डेव, दूसरी इसमें होती है नीड, और तीसरी होती है इसमें यूज्ड टू। यूज्ड टू। तो व्यूअर्स अगर हम इसको पूरे चार्ट को देखें तो इसमें लगभग 24 ऐसी वर्ब्स हैं जिनका हम यूज मेन वर्ब से पहले करते हैं। टेंस, किसी भी टेंस में ये मतलब टेंस के अनुसार ये वेरी करेंगे, टेंस के अनुसार ये चेंज होते जाएंगे। लिंकिंग वर्ब, जिसको हम हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। अब ये जो इसका अर्थ है हिंदी में संयोजक, संयोजक मीन्स होता है जोड़ने वाला। तो संयोजक क्रिया मीन्स एक ऐसी क्रिया होगी जो जोड़ेगी। क्या चीज जोड़ेगी ये हम डेफिनेशन में और अच्छी तरह से समझेंगे।
इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे दो बात आई हुई है, ये जो कनेक्ट करता हो क्या क्या करता है, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य का जो करता होता है, सब्जेक्ट होता है, उसका कनेक्शन किससे स्थापित करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा उससे वो क्या करता है, उसका कनेक्शन स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, संयोजक क्रियाएं कहलाती हैं। संयोजक क्रियाएं जिस तरह से मैंने एक आपको बताया है कि स्टेटिव जो वर्ब्स होती हैं उनमें से अधिकांश जो वर्ब होती है वो लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। कहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब कहलाती है, कहाँ पे लिंकिंग वर्ब कहलाती है, और लिंकिंग वर्ब कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, मैं इन सभी पे अपनी प्लेलिस्ट, एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने जिसमें जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन। तो वहां पे मैं इन जो लिंकिंग वर्ब है उसका स्टेटिव वर्ब से और लिंकिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब से क्या इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये मैं उस प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज हम सिर्फ संयोजक क्रिया लिंकिंग वर्ब की बात करते हैं। तो यहां पे देखिएगा जो टू बी वर्ब है ना, इज एम आर, इज हो गया एम आर, वाज, वर, इसके अलावा हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन, हैड बीन, ये भी लिंकिंग वर्ब का काम करती है। कहां पे ये लिंकिंग वर्ब होती है, जरा हम एक दो एग्जांपल इसके देखते हैं। अब यहां पे मैंने एक वाक्य लिखा, ही इज अ डॉक्टर। अब यहां पे ही है सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, करता है इसमें, और यहां पे इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, एलवी लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये जो है ना अ डॉक्टर ये कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं, ये शब्द यहां पे कॉम्प्लीमेंट है जिसको हम हिंदी में पूरक कहते हैं, ये तीन प्रकार के होंगे, या तो ये नाउन होंगे, या ये एडजेक्टिव होंगे, या ये एडवर्ब होंगे। तो यहां देखिए डॉक्टर क्या है, नाउन है, लेकिन इसके साथ एक और अक्षर या शब्द आया है अ, एक डॉक्टर, तो ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के तीन प्रकार मैंने बताए, एक तो नाउन होगा, या तो एडजेक्टिव हो गया, तो या तो क्या हो गया, एडवर्ब होगा। तो अगर नाउन होगा तो उसको नाउन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, अगर यहां पे एडवर्ब होगा तो उसको एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, यदि यहां पे एडजेक्टिव है तो उसको हम एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो यहां पे तो नाउन है, डॉक्टर नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब इसको ध्यान से देखिए, ही इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड अ डॉक्टर इज अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, और इन दोनों को जोड़ने का काम इज कर रहा है। तो ये जो है ना इज, ये लिंक कर रहा है किसका, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट से ये लिंक कर रहा है। एक उदाहरण हम दूसरा मैं यहां लिख रहा हूं, रमेश हैज बीन सिक सिंस लास्ट नाइट, रमेश पिछली रात से क्या है, बीमार है। अब यहां पे अगर होता कि रमेश हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो हैज बीन वहां पे हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन यहां पे इसके बाद हैज बीन के बाद कोई भी मेन वर्ब नहीं आई है, तो यहां पे ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा। तो ये जो है ना सिंस लास्ट नाइट, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। दूसरा एक और वाक्य देखते हैं, शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। अब यहां पे शी जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है, और ब्यूटिफुल गर्ल जो है, अब ब्यूटिफुल गर्ल ये पूरा जो है, ये ब्यूटिफुल तो एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक दो तीन शब्द क्या कहेंगे एक साथ आके इसको बोलेंगे एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या है, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट है।
एक और देखते हैं हम। अब यहां देखिए द कैट, ये सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब है, और ऑन द मैट जो ये है, ये पूरा ये है एडवर्बियल, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। ऑन द मैट क्या है? एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया थे कि कॉम्प्लीमेंट के तीन प्रकार होते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। व्यूअर्स, जो संयोजक क्रिया है जिसको हम इंग्लिश में लिंकिंग वर्ब कहते हैं, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको संक्षेप में समझा देता हूं कि जो लिंकिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट का संबंध, कनेक्शन उसी वाक्य में आए हुए अन्य सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ स्थापित करेगा। वो वर्ब हो सकती इज एमआर, वजवर, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब यदि आए तो ये सारी जो वर्ब हैं जिनको हम लिंकिंग वर्ब कह रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब में बदल जाएंगी। अगर इसके बाद क्या आता है, मान लीजिए यहां पे आता है ही इज अ डॉक्टर की जगह आता है, अगर ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, तो यहां पे जो रन है ना ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब आती है। तो यहां पे इज जो है वो किसमें चेंज हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब में चेंज हो जाएगी। लेकिन यहां पे काम नहीं हो रहा, यहां पे एक्शन कुछ नहीं है, यहां पे कॉम्प्लीमेंट उसके बाद आया है। तो जहां भी इन वर्ब के बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा वहां पे ये लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, वैसे ये एक वर्ब नहीं है, दो वर्ब है। जरा हम इन वाक्यों को देखते हैं और समझते हैं कि कहां पे फाइनाइट वर्ब है और कहां पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो पहला जो सेंटेंस है, रमेश वांट्स टू प्ले फुटबॉल। दूसरा है आई वांट टू प्ले फुटबॉल। तीसरा है दे वांटेड टू प्ले फुटबॉल। चौथा है शी लाइक्ड सिंगिंग सॉन्ग, और पांचवा है यू लाइक सिंगिंग सॉन्ग। अब यहां देखिएगा, पहले वाक्य में देखें आप, रमेश सब्जेक्ट है और यहां पे एक वर्ब है वांट्स, तो रमेश वांट्स, रमेश चाहता है क्या, टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, तो रमेश फुटबॉल खेलना चाहता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, आई वांट टू प्ले फुटबॉल, मैं क्रिकेट, सॉरी दूसरा वाक्य देखिएगा, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं। तो देखिएगा यहां पे वॉन्ट है, यहां पे वॉन्ट्स आया, ये टू है, ये भी टू है, प्ले प्ले, तो यहां पे दो वर्ब हैं, प्ले वॉन्ट्स, वॉन्ट और प्ले। तीसरे वाक्य में देखते हैं, दे वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल, यहां पे एक वर्ब ये है वॉन्टेड और दूसरी है प्ले। तीसरा देखिएगा, शी लाइक्ड, ये एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब ये है सिंगिंग सॉन्ग। पांचवा देखिएगा, यू लाइक, एक वर्ब यहां पे ये है और दूसरी ये है यू लाइक सिंगिंग सॉन्ग। अब इसको गौर से देखिएगा, पहला जो सेंटेंस है उसमें रमेश के बाद वांट्स आया, दूसरा जो सेंटेंस है उसमें आई के साथ वांट आया, रमेश वांट्स, आई वांट और दे वांट इट। तो ये जो वांट्स है ये जो है ना ये बदलती रह रही है, जैसे ही सब्जेक्ट चेंज हो रहा है वैसे ही ये चेंज हो जा रही है, रमेश के साथ वांट्स, आई के साथ वांट। अब यहां देखिए, दे वांटेड, वे चाहते थे टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, वे फुटबॉल खेलना चाहते थे। तो यहां पे जो वांटेड है वांट्स वांट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ यहां पे, और ये जो वाक्य है ये है
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। यहां पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी, वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो गई है। तो एक और तो हम देख रहे हैं कि कुछ वर्ब्स हैं जैसे वांट्स, वांट, वांटेड, लाइक और लाइक, ये चेंज हो रही है। और एक ऐसी वर्ब है देखिएगा, टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, टू प्ले में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यहां देखिएगा सिंगिंग और सिंगिंग, ये भी फोर है या आईएनजी फॉर्म है। यहां पे लाइक्ड हुआ, यहां पे लाइक है, ये तो बदल रही है लेकिन ये नहीं बदल रही है। तो जो बदलती है वे फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जो पर्सन, यहां पे मैं लिख लेता हूं, एक मैं यहां पे बॉक्स बना रहा हूं, व्यूअर्स यहां देखिएगा फाइनाइट जो वर्ब होंगी वो क्या होंगी, जैसे ही पर्सन चेंज होगा और टेंस चेंज होगा तो इसकी फॉर्म में चेंज आ जाएगा, इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे यहां पे हो रही है वांट्स, सब्जेक्ट रमेश है तो इसमें वांट्स है और आई हो गया तो वांट आया। तो ये जो है जिसमें चेंज आता है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जिसमें चेंज नहीं आएगा वो क्या कहलाएंगी, इट विल नॉट चेंज, मीन्स यह चेंज नहीं होगी। तो चेंज कौन नहीं हो रही है, कौन सी वर्ब इसमें चेंज नहीं हो रही है, एक तो टू प्ले, टू प्ले, टू प्ले, तो ये जो है ये वाली वर्ब जो है, ये तीनों, ये जो है ये वर्ब जो है ये नॉन फाइनाइट है। नीचे के चौथे और पांचवे वाक्य में देखिएगा सिंगिंग और सिंगिंग, दोनों वर्ब सेम है, इनकी फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, चाहे टेंस ही बदल दें या सब्जेक्ट ही चेंज कर लें, पर्सन ही चेंज कर लें, तो इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो आपने देखा होगा कि फाइनाइट वर्ब एक दर बदलू, जैसे जो कुछ ऐसे नेता होते ना जो आज इस पार्टी में है दूसरी पार्टी में कल को हो जाएंगे, तो दल बदलू जो होते हैं ये फाइनाइट वर्ब जो होती है वो दल बदलू होती है, वो मौके की तलाश में होती है, जैसे सब्जेक्ट चेंज किया वैसे अपना ये रूप चेंज कर देती है। और ये जो नॉन फाइनाइट है ये इसको आप जिद्दी समझिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो और टेंस कोई भी हो, ये नहीं बदलती है, ये अपने जुबान की पक्की होती है। तो हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब एक, इसको एक तरह से और देख सकते हैं कि आपने एक मसलन सुना होगा कि गंगा मिले गंगादास और जमुना मिले जमुनादास। तो बताइए जैसे ही सिचुएशन चेंज होगी, जैसे ही पर्सन चेंज होगा, जैसे ही टेंस चेंज होगा, ये कहेगी मैं ही बदल जाती हूँ, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है ये बिल्कुल भी बदलता नहीं है, कुछ भी सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, या पर्सन आई हो चाहे ही हो, या जो टेंस है चाहे किसी भी प्रकार का, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने यहां पे लिखा है मेन वर्ब ऑब्लिक एक्शन वर्ब, तो मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है डायनेमिक वर्ब। इसके ही दो भाग है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे पहले हम समझ चुके हैं कि फाइनाइट किसे कहेंगे और नॉन फाइनाइट किसे कहेंगे। अब यहां देखिए फाइनाइट के बारे में, फाइनाइट के और कोई सब काइंड नहीं है, इसको देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन काइंड हैं, तीन प्रकार हैं। पहला है इनफिनिटिव, दूसरा है जिरंड, और तीसरा है पार्टिसिपल। इसके भी इन्फिनेटिव पे दो प्रकार के इन्फिनेटिव वर्ब होती हैं, एक होती है बेयर इन्फिनेटिव वर्ब
और दूसरी होती है विद इन्फिनिटिव वर्ब। एक में क्या होगा टू प्लस भी वन, यानी भी वन मीन्स जो वर्ब होती है उसकी पहली अवस्था, यानी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू आएगा। जैसे इससे पहले हमने, आप इसको जरा पीछे, इस वीडियो को जरा पीछे करोगे तो आपको एक शब्द था वहां पे टू प्ले, तो टू प्लस प्ले, प्ले इज द बेस फॉर्म ऑफ प्ले, तो इसको बोलेंगे हम विद इन्फिनिटिव वर्ब। और जहां पे कुछ ऐसी वर्ब होंगी जहां पे जिसके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, उन्हें हम बेयर इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। यहां पे मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं आपको, इस पे मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा इन तीनों पे, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल पे। लेकिन यहां पे ये बताना जरूरी है कि वर्ब कितनी होती है, ये तो कम से कम बच्चों को पता लग जाए, क्योंकि जो मैं देखते आ रहा हूं बच्चों को वर्ब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो देखिएगा, दूसरा है जिरंड। जिरंड की कोई और सब, उसके सब टाइप नहीं होते हैं। अब पार्टिसिपल है तो पार्टिसिपल के तीन होते हैं, एक होता प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इन तीनों को हम एक लंबी वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे मैं इन तीनों के बारे में समझा रहा हूंगा, लेकिन मैं कुछ इनके एक एक उदाहरण में आपको एक एक एग्जांपल मैं इनके लिखूंगा ताकि आप इसको एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर हो जाए। व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे लिखा है इन्फिनेटिव, फिर ये जिरंड और ये पार्टिसिपल, ये नॉन फाइनाइट के तीन सब टाइप हैं। तो पहले इन्फिनेटिव के दो हम एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिए, आई वॉन्ट टू गो देयर, शी वॉन्ट्स टू गो देयर। यहां पे वॉन्ट जो है आई के साथ है, यहां पे शी के साथ ही बदल गया, तो जो बदलने वाला होता है उसे हम फाइनाइट कहते हैं। क्योंकि हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं उसमें भी हम इन्फिनिटिव पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए टू गो और टू गो, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये यहां पे क्या है, नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में कौन सी वर्ब है, इन्फिनेटिव है। दूसरा देखें हम जिरंड, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं, ही यहां है, यहां पे ही है और यहां पे यू है, ही इज और यू के साथ आर, ही के साथ इज, यू के साथ आर। फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, सिंगिंग और सिंगिंग, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में कौन सी वर्ब है, जिरंड है। आगे देखिएगा, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने एक ही उदाहरण दिया हुआ है। आई सॉ अ ब्रोकन मिरर, ही सॉ अ ब्रोकन मिरर। मैंने एक टूटा हुआ दर्पण देखा, उसने एक टूटा हुआ दर्पण देखा। तो ये जो है आई के साथ भी ब्रोकन और ही के साथ भी ब्रोकन, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो ये क्या है, पार्टिसिपल है यहां पे। तो मुझे लगता है कि मैंने आज आपको जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब बताई हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के फिर तीन जो सब टाइप बताए हैं, इनके भी सब टाइप और होते हैं, उनको हम किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, दरअसल ये दो वर्ब हैं, लेकिन इस रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को पढ़ने से पहले हम, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको वर्ब की फॉर्म के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो वर्ब की फॉर्म होती है वो तीन होती है, मुख्य रूप से तीन फॉर्म होती है। तो पहली जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहलाती है पास्ट सिंपल। और थर्ड फॉर्म जो है वो कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये तीन फॉर्म होती हैं। बेस फॉर्म, मान लीजिए हम एक वर्ब लेते हैं, जैसे एक वर्ब हमने ली
स्माइल। तो स्माइल की जो बेस फॉर्म है वो बेस फॉर्म स्माइल ही है। स्माइल की सेकंड फॉर्म स्माइल हो गया, और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल या जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं वो भी स्माइल है। या एक और वर्ब देते हैं जिसकी बेस फॉर्म जैसे गो है, और जो पास्ट सिंपल है वो है वेंट, और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो हो जाएगी आपकी गोन। तो गो, वेंट, गोन, जिसे हम आमतौर पर बेस फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब, या जिसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल भी से कहा जाता है, पास्ट सिंपल उसके सेकंड फॉर्म, जैसे यहां पे स्माइल की स्माइल और गो की वेंट हुई, और एक पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं, और गो की थर्ड फॉर्म गॉन और स्माइल की थर्ड फॉर्म स्माइल्ड। तो ये फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। इसके अलावा चौथी जो फॉर्म है उसे आईएनजी फॉर्म कहते हैं, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। किसी भी वर्ब में हम आईएनजी लगा के उसकी आईएनजी फॉर्म बनाते हैं, जैसे गो में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। और आजकल के टाइम पे इसको वी फोर कह रहे हैं, वी फोर, ये वी थ्री हो गया, ये वी टू हो गया, और ये वी वन हो गया। और जो पांचवी फॉर्म है वो है एस या ईएस फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म, जैसे गो का गोज, ईट का ईट्स। तो ये एस, इसमें एस है और इसमें ईएस जुड़ा हुआ है, तो यहां पे इसको हम वी फाइव कहते हैं। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो जो वर्ब की मेन तीन फॉर्म होती है, मैं उनकी बात आगे के इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो व्यूअर्स, यहां पे हम जो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब है, इसमें से हम पहले रेगुलर वर्ब की बात करते हैं, और इसकी डेफिनेशन है इट क्रिएट्स द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी, डी एंड आईईडी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो रेगुलर वर्ब है ये क्या करती है, क्रिएट्स करती है, क्रिएट करती है किसको, पास्ट सिंपल को और पास्ट पार्टिसिपल को ऐड करके। क्या ऐड करके, ईडी, या तो इसमें ईडी लगता है या डी जुड़ता है या आईईडी जुड़ता है। पहले हम देखते हैं कि ईडी किन किन वर्ब के साथ लगेगा। तो यहां पे एडिंग लिखा मैंने, और एडिंग में हम बात करेंगे ईडी जोड़ने वाली जो वर्ब्स हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, कॉल, कॉल मीन्स बुलाना। अब यहां देखिए बेस फॉर्म इसकी कॉल है, इसमें हम ईडी जोड़ेंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी या पास्ट सिंपल हो जाएगी कॉल्ड, और पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, कॉल्ड। दूसरा एक और उदाहरण हम लेते हैं ईडी, जिसमें ईडी ऐड होके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म या पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल वो बनाएंगे, वो देखिए W A N T, want, want means चाहना, तो want, wanted, और यहां भी आप ED जोड़ दोगे। इसके अलावा laugh, L A U Z H, तो laugh में हम क्या जोड़ेंगे, ED, laughed हो जाएगा, laughed, और ये भी laughed। तो पहला क्या है,
हम रेगुलर वर्ब किसे कहेंगे, हम जिसमें ईडी जोड़कर उसका सेकंड यानी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। तो ये हमने ईडी जोड़ के बनाया। अब है वेल व्यूअर्स, अभी हमने कुछ रेगुलर वर्ब को ईडी की मदद से बनाया था, या यूं कहें कि हमने कुछ वर्ब की बेस फॉर्म में ईडी जोड़कर उनका पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाया था। अभी डी तो जोड़कर हम कुछ वर्ब्स की क्या बनाएंगे, पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट सिंपल को सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म भी हम कहते हैं, और बेस फॉर्म मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो डी देखिए, डी को जोड़ के बनाते हैं। तो एक नियम है, यदि किसी रेगुलर वर्ब के अंत में ई आए तो हम क्या करते हैं, उसमें ईडी नहीं जोड़ते हैं, हम क्या करते हैं ई को रहने देते हैं और उसमें डी जोड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण है एच ए टी ई, हेट। हेट मींस घृणा करना। तो यहां पे ई है अंत में, इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो हेट का क्या हो जाएगा, हेटेड। हमने खाली इसमें डी जोड़ा, हेट तो था ही यहां पे, एच ए टी था ही, हमने डी जोड़ा। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, हेटेड, हेटेड। इसके अलावा लाइक, यहां देखिएगा लाइक के अंत में ई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम डी जोड़ के इसकी सेकंड, और यहां भी हम डी जोड़ के इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर हमारे पास ऐसा कोई शब्द हो जिसके अंत में ई आए तो हम क्या करते हैं, हम उसमें डी जोड़कर उसका पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म बनाते हैं। व्यूअर्स, कुछ ऐसी रेगुलर वर्ब होंगी जिसके अंत में हम देखेंगे कि उसमें वाई आया है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कैरी, कैरी। इसके अंत में y आया है, इसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आया है। तो नियम यह है, यदि कोई वर्ब जिसकी बेस फॉर्म के अंत में y आए और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो हम इस y को, ये जो y है, इसको हम i में चेंज कर लेते हैं और फिर हम ed जोड़ लेते हैं। तो हम क्या जोड़ेंगे, i e d। तो यहां देखिए, y को हम हटा देते हैं, c a डबल r हो जाएगा, और इसमें जोड़ेंगे आई ई डी। तो हमने कैरी का पास्ट सिंपल बनाया, कैरीड, और पास्ट पार्टिसिपल भी कैसे बनेगा, उसमें हम वाई को हटा के आई ई डी जोड़ देंगे। इसके अलावा एक दूसरी है, स्टडी, स्टडी। अब यहां देखिएगा, इसके अंत में वाई आया है और ठीक इसके पहले डी आया है जो कि कॉन्सोनेंट है। तो नियम क्या है, यदि कोई वर्ब वर्ड जिसका अंतिम लेटर वाई हो और उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, तो हम वाई को आई में चेंज कर लेते हैं, एस टी यू डी, इसको हमने एस उतारा, एस टी यू डी। अब वाई विल चेंज इनटू आई एंड वी विल एड ई डी विद दिस वर्ड, नाउ इट हैज बिकम स्टडीड। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म भी ऐसे बनाएंगे, एस टी यू डी, वाई की जगह आई फिर ई डी। तो स्टडी का सेकंड फॉर्म स्टडीड और थर्ड फॉर्म में स्टडीड होता है। तो ऐसी कई वर्ब हैं जिनको हम वाई हटा के, हम उस वर्ब के अंत में वाई हटा देंगे और उसमें हम आई ई डी जोड़ देंगे। जैसे कि हमने लिखा भी है कि इट क्रिएट्स द पास्ट सिंपल एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ईडी डी एंड आईडी। कुछ में हम ईडी जोड़ेंगे, कुछ को हम डी की मदद से बनाएंगे, और कुछ ऐसी वर्ब भी होंगी जिसको हम आईईडी की मदद से बनाएंगे। तो आई होप रेगुलर वर्ब आपको समझ में आ गई होगी। रेगुलर वर्ब किन वर्ब्स को कहेंगे, जिन वर्ब्स के अंत में हम ईडी डी और आईईडी जोड़कर उनका
सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्रम्स है। सेकंड फॉर्म को मैंने बताया पास्ट सिंपल कहते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो इस तरह से हम रेगुलर वर्ब को बना सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने रेगुलर वर्ब के बारे में बताया, अभी हम इरेगुलर वर्ब के बारे में जानते हैं। इरेगुलर वर्ब क्या होती है जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इरेगुलर वर्ब, अ वर्ब इन विच द पास्ट टेंस इज नॉट फॉर्म्ड बाय एडिंग ईडी डी और आईईडी। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसी क्रिया जिसे हम ईडी डी और आईडी को जोड़कर नहीं बनाते हैं उन्हें हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। इसके चार और सब रूल हैं, हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं, या चार प्रकार कह सकते हैं। चार रूल के हिसाब से या चार रूल के अकॉर्डिंग इसके चार प्रकार भी हम कह सकते हैं। तो पहला प्रकार ये है कि सेम रहते ही, तो इसकी तीन फॉर्म सेम होंगी। कुछ ऐसी वर्ब्स होंगी जिसकी तीनों फॉर्म क्या होंगी, सेम होंगी। बेस फॉर्म भी सेम होगी, पास्ट सिंपल सेम होगी और पास्ट पार्टिसिपल सेम होगी। जैसे लेट, लेट और लेट, पुट, पुट और पुट। इसी तरह से स्प्रेड, स्प्रेड और स्प्रेड। तो हमने देखा इस तरह से कई हैं, हर्ट है, सेट है, और भी कई ऐसी वर्ब होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है, तीनों फॉर्म सेम होती है। तो पहला नियम क्या है कि ये तीनों फॉर्म क्या होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी क्या होंगी, सेम होंगी। व्यूअर्स, कुछ ऐसी इरेगुलर वर्ब्स होंगी जिनमें दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म सेम होगी और बेस फॉर्म जो होगी वो अलग होगी। जैसे एक हम लेते हैं कैच, कैच मीन्स पकड़ना, तो कैच की सेकंड फॉर्म है कॉच, थर्ड फॉर्म भी क्या है कॉट, कैच कॉट कॉट। सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, बेस फॉर्म अलग है। दूसरा एक वर्ब और हो सकता है जैसे फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, तो फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी फाउंड। तो देखिए कैच कॉट कॉट, फाइंड फाउंड फाउंड। एक और ले लेते हैं हियर, हियर की जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म वो हर्ड है और थर्ड फॉर्म भी क्या है हर्ड है। तो देखिएगा हियर, हर्ड और हर्ड, इनकी दो फॉर्म, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, बेस फॉर्म अलग है। तो यहां पे सेम कौन कौन रहेगा, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म, ये सेम होंगी। व्यूअर्स, हमने इससे पहले इरेगुलर वर्ब की दो टाइप्स देखे, दो प्रकार देखे जिसको हम उप भेद कह सकते हैं। पहला क्या था कि तीनों फॉर्म एक जैसी थी, मतलब बेस फॉर्म भी, पास्ट सिंपल भी और पास्ट पार्टिसिपल सेम थी, जैसे हमने देखा पुट पुट पुट। दूसरा हमने अभी देखा कि जो बेस फॉर्म है वो अलग है और सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल उसकी एक समान है। अभी जो तीसरा हम देखेंगे वो देखेंगे कि पहली फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी। एक दो उदाहरण हम देखते हैं यहां पे, जैसे कम, कम केम कम, कम और कम,
फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल सेम है, कम और कम, यहां पे केम है। दूसरा हम एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे बिकम एक और वर्ब है, बिकम मींस होना या बनना, बिकम, बिकेम और बिकम, ये बिकम और बिकम बेस फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल सेम है और पास्ट सिंपल क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, चेंज है। तो यहां सेम कौन कौन फॉर्म रहेगी, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये सेम रहेगी, बाकी जो पास्ट सिंपल है वो अलग फॉर्म रहेगी। व्यूअर्स, इररेगुलर वर्ब्स की जो चौथी जो चौथा काइंड है वो क्या है, इसमें कोई भी फॉर्म सेम नहीं होगी, प्रत्येक फॉर्म अलग अलग होगी, बेस फॉर्म अलग होगी, पास्ट सिंपल अलग होगी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अलग होगी। देखिएगा, जैसे एक वर्ब है गो, गो वेंट गॉन। दूसरा हम देखते हैं एक उदाहरण और, ईट एट ईटन। एक और देख लेते हैं हम, जिसकी हम तीनों फॉर्म अलग अलग होंगी, जैसे डू है, डू मींस करना, डिड और डन। तो यहां देखिए आप, कोई भी तीन फॉर्म किसी वर्ब की तीनों फॉर्म एक जैसी नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। गो वेंट गॉन ईट एट ईटन डू डिड डन। तो हमने इररेगुलर वर्ब्स अभी पढ़ी, उसमें हमने देखा कि एक ऐसा टाइप होता है जिसमें सारी फॉर्म्स एक जैसे होती है, एक ऐसा टाइप भी होगा जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, बेस फॉर्म अलग होती है, एक ऐसा टाइप हमने देखा जिसमें फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, और ये जो चौथा है, चौथे में हमने देखा कि इसकी कोई फॉर्म आपस में सेम नहीं होती है, सारे जो फॉर्म्स होती है वो अलग अलग होती है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड रेगुलर वर्ब्स एज वेल एज इररेगुलर वर्ब्स वेरी वेल। अ वर्ब कंबाइंड विद एन एडवर्ब और प्रीपोजिशन और समटाइम्स बोथ टू गिव अ न्यू मीनिंग। इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसी क्रिया जो कि कंबाइंड होती है, जो कि बनी होती है, या तो उसमें एडवर्ब लगता है, एडवर्ब जो कि मतलब किसी वर्ब की बेस फॉर्म में एडवर्ब जुड़ता है तो फ्रेजल वर्ब बनता है, या प्रीपोजिशन जुड़कर एक फ्रेजल वर्ब बनाया जाता है, या कभी कभी क्या होता है कि दोनों को ऐड करके हम किसी वर्ब की बेस फॉर्म, मैंने बेस फॉर्म आपको बताई है इस प्रीवियस वीडियोस में, आपने नहीं देखी है तो आप देखिएगा, बेस फॉर्म जैसे गो है, तो गो वाइट गॉन, तो गो इज द बेस फॉर्म ऑफ वो गो, तो उसमें हम कुछ कभी क्या करते हैं, एडवर्ब जोड़ते हैं, कभी हम प्रीपोजिशन जोड़ते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि दोनों को जोड़ा जाता है और वे फ्रेजल वर्ब कहलाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कॉल अप, कॉल इन, लुक अप, लुक इन टू, लुक अबाउट, लुक फॉरवर्ड, इस तरह के बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास हैं जो बेस फॉर्म प्लस या तो उसमें एडवर्ब होगा या प्रीपोजिशन होगा, या कभी कभी ये दोनों जुड़ के एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण करते हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं आपको ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहला है द बैटरी हैज रन डाउन। अब यहां देखिएगा रन डाउन मीन्स होता है स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। तो यहां पे रन डाउन जो है ना, रन है बेस फॉर्म, ये है मेन वर्ब और उसकी बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म बी एफ, या हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है ना, जो किसी भी वर्ब की
क्या होती है, पहली फॉर्म होती है, पहली अवस्था होती है। तो देखो रन है और रन के साथ डाउन जुड़ा हुआ है, और डाउन क्या है, एडवर्ब है। तो रन मीन्स दौड़ना होता है। अब रन के साथ डाउन, जैसे हमने रन के साथ डाउन जोड़ा, वो रन डाउन एक फ्रेजल वर्ब बन गई और उसका अर्थ बिल्कुल अलग होगा। यहां लिखा भी है टू गिव अ न्यू मीनिंग, ये एक नई मीनिंग को प्रदान करती है। तो रन डाउन मीन्स होता है स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। तो इसका अर्थ क्या हुआ, द बैटरी हैज रन डाउन, बैटरी ने काम करना बंद कर दिया है। अगर हम खाली रन करेंगे तो रन मीन्स होता है दौड़ना, लेकिन डाउन ये क्या है, इसमें डाउन जो है वो है आपका एडवर्ब, एडवर्ब ये एडवर्ब है, और ये है बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म में पहले वाक्य हमने देखा, बेस फॉर्म में एडवर्ब जुड़ के ये एक फ्रेजल वर्ब बना, और फ्रेजल वर्ब है रन डाउन। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, द बर्गलर्स ब्रोक इनटू द हाउस यस्टरडे। जो बर्गलर्स होते हैं ना, बर्गलर्स मीन्स होते हैं एक ऐसे चोर जो जबरदस्ती से किसी के घर में घुसते हैं चोरी करने के इरादे से, उन्हें हम कहते हैं बर्गलर्स। तो क्या होता है, द बर्गलर्स ब्रोक इनटू, ब्रेक इनटू का सेकंड फॉर्म है ब्रोक इनटू, घुसे द हाउस घर में यस्टरडे कल। तो सेंधमार, इसको अगर हम हिंदी में अच्छी तरह से, अगर इसका एक शब्द आता है सेंधमार, तो सेंधमार कल घर में घुसे। तो दरअसल ये ब्रोक है, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, और ये बेस फॉर्म यानी ये सेकंड फॉर्म में इनटू जुड़ा है। अब इनटू क्या है, इनटू है प्रीपोजिशन, इनटू क्या है प्रीपोजिशन। चूंकि ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए ब्रेक का यहां पे ब्रोक आया है। तो ब्रेक इनटू मींस होता है कहीं अनधिकृत होकर जबरदस्ती कहीं घुसना चोरी करने के इरादे से। तीसरा जो सेंटेंस है, ही रेन अवे फ्रॉम हिज होम एट द एज ऑफ 14, वह अपने घर से 14 वर्ष की उम्र में भागा। तो देखो रन, रेन और रन, ये सेकंड फॉर्म है। रन अवे मींस होता है भागना। अब यहां फ्रॉम भी लगा है, अब देखिए इसमें क्या है, ये तो है वर्ब है ना, ये अवे जो है ये हो गया आपका एडवर्ब, एडवर्ब, और ये जो फॉर्म है ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है प्रीपोजिशन है। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि कभी कभी क्या होता है कि बेस फॉर्म में हम क्या जोड़ते हैं, एडवर्ब और प्रीपोजिशन भी जोड़ के हम उस वर्ब का फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। तो पहले सेंटेंस में हम देखें तो रन डाउन में डाउन एडवर्ब है, दूसरे में हम देखें ब्रोक इनटू, इनटू ब्रोक इनटू में इनटू जो है प्रीपोजिशन है, और तीसरे और अंतिम वाक्य में जो ये है रन का रेन है सेकंड फॉर्म, अवे एडवर्ब है और फ्रॉम प्रीपोजिशन है। तो जो अंतिम वाला जो फ्रेजल वर्ब है वो एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को मिलके बना हुआ है। तो आशा करता हूं आप फ्रेजल वर्ब को समझ गए होंगे। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें हम क्या करते हैं, बेस फॉर्म में इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब किन की मदद से बनती है, या तो एडवर्ब की मदद से बनती है, या प्रीपोजिशन की मदद से बनती है, या दोनों की मदद से इनको बनाया जाता है। लेकिन अंतर ये होता है कि जो इसका बेस फॉर्म का अर्थ होता है और जो फ्रेजल वर्ब जो नई बनती है उसके अर्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो आई होप आप फ्रेजल वर्ब को समझ गए होंगे। वेल व्यूअर्स, अभी आपने फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं और फ्रेजल वर्ब के कुछ एग्जांपल देखे। अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो ये चार प्रकार की होती है,
पहला इसका टाइप है ट्रांजिटिव फ्रीजल वर्ब्स, दूसरा है इंट्रांजिटिव फ्रीजल वर्ब्स, तीसरा है सेपरेबल फ्रीजल वर्ब्स और चौथा है इनसेपरेबल फ्रीजल वर्ब्स। अब ये चारों का अर्थ क्या है इनके हम एक एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। व्यूअर्स, अभी मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ फ्रीजल वर्ब कितनी होती हैं। तो पहला जो उसका टाइप है वो है ट्रांजिटिव फ्रीजल वर्ब। आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है, आपको पता है कि उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो वर्ब होती है वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई किल्ड अ स्नेक, मैंने एक सांप मारा, तो यहाँ पे स्नेक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब होंगी, ऐसी फ्रीजल वर्ब होंगी जो ट्रांजिटिव होंगी, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, भले इस ट्रांजिटिव वर्ब के पहले और बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, द ओल्ड बिल्डिंग लुक्स एयरफुल, जो पुरानी बिल्डिंग है, पुराना जो भवन है वो भयानक दिखता है। दे शुड नॉक इट डाउन, उन्हें इसे गिरा देना चाहिए, शुड मिस चाहिए। तो यहां देखिएगा, नॉक इट डाउन, नॉक डाउन मीन्स होता है गिराना, नॉक डाउन मीन्स गिराना। अब यहां पे जो इट है, ये इट आया है बिल्डिंग के लिए, यानी इट का है यहां पे ऑब्जेक्ट है, और नॉक डाउन जो है, नॉक डाउन मीन्स होता है गिराना। तो नॉक और उसके साथ डाउन, ये डाउन जो है वो एडवर्ब है, तो ये फ्रीजल वर्ब का काम करता है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव फ्रीजल वर्ब क्या होती है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए इसको ट्रांजिटिव फ्रीजल वर्ब कहा जाता है। व्यूअर्स, हमने ट्रांजिटिव फ्रीजल वर्ब को देखा, अभी हम इंट्रांजिटिव फ्रीजल वर्ब को देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। सोहन एंड मोहन फॉट यस्टरडे, सोहन और मोहन कल लड़े, बट लेकिन दे हैव मेड अप नाउ, वे अब समझौता कर चुके हैं। मेड अप मीन्स होता है रिकनसाइल करना, रिकनसाइल समझौता कर देना, सुलह करना। तो सोहन और मोहन कल लड़े, लेकिन अब उन्होंने समझौता कर दिया है। तो यहां देखिएगा, मेड जो है वो मेक का सेकंड और थर्ड फॉर्म है, और इसमें अप आया है, यूपी अप, जो कि क्या है, एडवर्ब है। इन दोनों को मिला के मेड मीन्स होता है बनाया, मेक मीन्स बनाना, मेड मीन्स बनाया, लेकिन जैसे ही इसमें अप जुड़ा तो इसका अर्थ ही चेंज हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, रिकनसाइल करना, सुलह करना, समझौता करना। और व्यूअर्स, इसमें आप कहीं भी जो इंट्रांसिटिव वर्ब स्टे भी है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, वर्ब है लेकिन कर्म नहीं है, स्टे, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंट्रांसिटिव फ्रीजल वर्ब। व्यूअर्स, हम जो फ्रीजल वर्ब पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा जो सब टाइप है वो है सेपरेबल फ्रीजल वर्ब। सेपरेबल मीन्स होता है ऐसी क्रियाएं, ऐसी फ्रीजल वर्ब जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आई पिक यू अप फ्रॉम द स्टेशन एट 6 AM, मैं आपको स्टेशन से 6 बजे उठाऊंगा। अब उठाने का अर्थ क्या है, मैं अपनी गाड़ी में आपको पिक करूंगा। तो यहां देखिएगा, आई पिक यू अप, अब यहां पिक अप को, पिक और अप, इसके बीच में एक शब्द आया है यू, जो कि क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन। तो हम इस प्रोनाउन की मदद से इन दो शब्दों को, जो कि पिकअप है वो संयुक्त रूप से फ्रीजल वर्ब है, हम इसमें प्रोनाउन यू की मदद से इनको सेपरेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी फ्रीजल वर्ब होंगी जो सेपरेबल होंगी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, उसमें प्रोनाउन का यूज करके। वेल व्यूअर्स, फ्रीजल वर्ब का जो चौथा टाइप है वो है इनसेपरेबल फ्रीजल वर्ब। इससे पहले हमने सेपरेबल
फ्रेजल वर्ब पढ़ रहा था। सेपरेबल फ्रेजल वर्ब में क्या कर रहे थे हम, दो शब्दों को जो कि फ्रेजल वर्ब थी उनको हमने प्रोनाउन के माध्यम से अलग अलग कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब होंगी जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम उसको उनको सेपरेट करेंगे तो उनका अर्थ कुछ अलग ही होगा या वे अर्थहीन हो जाएंगे। जैसे लुक आफ्टर जो एक फ्रेजल वर्ब है, आपने कई बार इस वर्ब का यूज किया होगा, तो लुक मीन्स देखना, आफ्टर मीन्स बाद में, लेकिन लुक आफ्टर मीन्स बाद में देखना नहीं है, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। तो देखिएगा ये हमेशा एक साथ ही आएंगी, ऐसा नहीं कि हम लुक के बीच में हम किसी प्रोनाउन को डाल दें। तो यहां पे देखिएगा आई कांट गो आउट टू नाइट, आज रात मैं बाहर नहीं जा सकता हूं, बिकॉज क्योंकि आई एम लुकिंग आफ्टर माई सिस्टर्स चिल्ड्रन, क्योंकि मैं अपने बहन के बच्चों को बच्चों की देखभाल कर रहा हूं। तो देखिए लुक का भी फोर है लुकिंग, लुक आफ्टर में जो था देखभाल करना। तो यहां पे देखिए इसके बीच में कोई भी शब्द नहीं आया है, इनको हमने सेपरेट नहीं किया है। तो वे फ्रेजल वर्ब्स जिनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है उन्हें हम इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब कहते हैं।